आज जेटेड सफल सहायक अध्यापक संघ जो बहुत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका जो मांग है, ये तो घेराव वगैरह भी बहुत मंत्री जी का या हर पार्टी का कार्यालय को भी घेराव किए, हर जगह आश्वासन मिला है। अब देखते हैं इनकी रणनीति आगे क्या होगी। मैं बात करता हूँ इनसे, आप नाम बताएंगे सर। मेरा नाम संजय मेहता है, मैं प्रदेश महासचिव जेटेड पास समन्वय समिति का। सर सर, आप लोग इतना चारों तरफ जो हर एक कार्यालय को घेराव कर रहे हैं, हर एक मंत्री का कर रहे हैं, क्या लगता है आगे क्या आपका मांगों को लेकर क्या वो लोग सजग हैं क्या है? सबसे पहले मीडिया के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और यह भी निवेदन मैं करता हूं कि आप हमारी बात को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तक एक बार फिर पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। हम लोग लगभग 20 वर्षों से झारखंड में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और सरकार को जो नियम है उस नियम को पालन करते हुए हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और सरकार ने कहा कि पारा शिक्षकों को मैट्रिक परीक्षा से काम नहीं चलेगा, इंटर पास करना अनिवार्य है। लोग इंटर पास किए, इंटर पास करने के बाद में ग्रेजुएशन पास किए, पीजी पास किए, ट्रेनिंग पूरी किए, शिक्षक का ट्रेनिंग। उसके बाद सरकार का गाइडलाइन आया कि जो शिक्षक वही बन सकते हैं जो टेट पास रह सकते हैं। उसके बाद हम लोग टेट भी पास किए और आज झारखंड में लगभग 14,042 टेट पास हैं और 2012 में सरकार ने डायरेक्ट टेट पास के आधार पर बहाली ली है और उसका ग्रेड पे 4200 और 4600 है। उसके बाद सरकार एक नियमावली बनाई 2021 में, उसमें ग्रेड को घटा कर ग्रेड पे को घटा करके 2400 और 2800 किया और उसका नाम रख दिया सहायक आचार नियमावली। उसके बावजूद सरकार दोहरी नीति कर रही है कि अल्पसंख्यक विद्यालय में अभी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, वो शिक्षक की बहाली में उन्होंने अल्पसंख्यक विद्यालय के लिए 4600 और 4200 का ग्रेड पे देना चालू कर दिया है सिर्फ अल्पसंख्यक विद्यालय में, जबकि एक ही काम वो करते हैं, दूसरा काम इधर हम लोग भी करते हैं और उन लोग बिना टेट पास का उन लोगों को वेतन मान और 4200 और 4600 का दर्जा दिया जा रहा है, सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है। हम लोग 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, टेट भी पास है, जो NCET का जो गाइडलाइन है उसका सारे नियमों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, परंतु सरकार दोहरी नीति करके हम लोगों को छलना चाह रही है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि अगर हम लोग शिक्षक के लायक नहीं हैं और सारी अर्हता हम लोग पूरा नहीं करते हैं तो सरकार हम लोगों को हटा दे, क्यों बच्चों को भविष्य को बर्बाद कर रही है। और अगर हम लोग सही में शिक्षक का सभी नियमों को फॉलो कर रहे हैं और शिक्षक बनने की अर्हता हम लोग रखते हैं तो हम लोगों का जो बहाली है वो 26,000 सहायक आचार्य की बहाली है और सहायक आचार्य की 26,000 बहाली में आधे सीट हम लोगों का 13,000 है और उस 13,000 में हम लोगों को सीधी नियुक्ति सीधा समायोजन कर दे 13,000 का, यही सरकार से हम मांग रखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही की गठबंधन की सरकार बिहार में है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया कि देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में से एक हैं। उन्होंने परीक्षा जो शिक्षक का ले रहा था उसमें उन्होंने कहा कि जो 20 वर्षों से हमारे राज्य में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो पारा शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, उनको सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक उसी तरह हेमंत सोरेन जी को बिहार की तरह झारखंड में भी करना चाहिए और 13,000 जो हम लोगों के लिए सीट रिजर्व रखे हैं उसमें सीधा समायोजन टेट पास को करना चाहिए। और इस स्थिति अगर नहीं करते हैं तो सारे कामों को देखते हुए उनको हम लोगों को वेतनमान देना चाहिए और नहीं देने की स्थिति में हम लोग 15 नवंबर 2023 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के 14,042 स्टेट सफल पारा शिक्षक हम लोग राजभवन के पास पहुंचेंगे और सामूहिक रूप से हम लोग आत्मदाह करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही
राज्य सरकार की होगी। इनका कहना है कि 15 नवंबर जो स्थापना दिवस है, अगर मांग पूरा नहीं हो तो उसमें आत्मदाह करेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। सरकार को तो अब सजग होना चाहिए, इसमें तो जितना जल्दी हो मांग पूरा करना चाहिए। मैं और महिला लोग हैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या इनके बहुत महिला लोग आए हुए हैं। घर कहाँ? केरल। कितने दिन से बैठा लिया? 76 दिन हो गया सर। 76 दिन? हाँ। तो 76 दिन से बैठे हुए हैं, क्या आपका क्या मतलब, क्या सरकार की तरफ से कुछ सुगाट लग रहा है? शुरुआत तो लग रहा है लेकिन पूरा कर नहीं रहे हैं। हम लोग सारा त्यौहार यही बिता दिए, लेकिन अब आगे जो त्यौहार आ रहा है, हमको लगता है जब तक पूरा नहीं करेंगे, चाहे छठ बीते, दिवाली बीते, कुछ भी बीते, जब तक वादा नहीं पूरा होगा, जब तक हम लोग के वेतनमान नहीं मिलेगा, तब तक यहीं अड़े रहेंगे। क्योंकि हम पढ़े हैं, जब तक वेतनमान लागू नहीं होगा, जब तक इनका मांग पूरा नहीं होगा, तब तक ये लोग अड़े रहेंगे। मैं देवानंद, राजभवन से, पब्लिक 24।